class. Now it is question number 3. No, question number 2 है आपकी बुक का. PQR is a triangle. Right angle at P. ये PQR है. Right angle at P पे है. और P से M जो है. M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. So that PM square is equal to PM square is equal to QM into MR. ये हमें प्रूव करना है. तो इसको माइंड में रखते हुए चलना पड़ेगा. तो देखो क्या करते हैं. दो ट्राइंगल बन गई हमारी. ध्यान में रखो, सिस्टमेटिकली चलो. थोड़ा सा अगर नहीं चलेंगे सिस्टम से तो उलझ जाएंगे. तो पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल, फिर पूरी राइट एंगल ट्राइंगल. तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल उठाई और लगा दिया. क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये जरूर लिख देना, ये ऐसे लिखना है. ठीक है, तो जब हम इसमें लगाएंगे तो देखो ये राइट एंगल है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया आर पी का स्क्वायर. तो हमारा आ गया, इसको लिया पहले, इस वाले ट्राइंगल को, पी क्यू एम को. तो इसके सामने पी क्यू आ गया. पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर. अब मैंने क्या किया, पी एम को यहाँ रखा, उसको उधर ले गए, क्योंकि हमें पी एम चाहिए ना यहाँ पे पी एम. इसीलिए ये हम अपना टारगेट बना रहे हैं पी एम को. तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. जब पी आर एम लेंगे तो पी आर एम में भी इसके सामने वाला है हाइपोटेन्यूस हो गया, और लिख दिया हमने आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर. पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर. वैसे ही पी एम को इधर रखा और इसको उधर ले गई. दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को जोड़ दिया. ध्यान से देखिए, पी एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर, टू पी एम स्क्वायर, देन पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर. अब इसको इतना ही छोड़ के छोड़ दीजिए, नंबर 3 डाल दीजिए. आगे काम आने वाला है ये रिजल्ट बहुत ही. अब बड़ी ट्राइंगल में जाइए, पी क्यू आर में. अब देखो यहाँ पे राइट एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया. क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. अब हमने क्या किया, इस क्यू आर स्क्वायर को तोड़ दिया दो हिस्सों में, क्यू एम प्लस आर एम, उसका स्क्वायर खोल दिया. कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. ये वाला फॉर्मूला ऑफ द क्लास 8th. ओके बेटा, क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस टू क्यू एम इंटू एम आर. ठीक है बेटा, और ये इसके बराबर में आ गया. अब हम क्या करने वाले हैं, हम टू क्यू एम इंटू एम आर को यहाँ रख लेंगे, बाकी सारा उधर भेज देंगे. इस सारे को ध्यान से देखिए, ये सारा नंबर 3 के बराबर है. तो इसको लिख देंगे फ्रॉम, ये मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम 3. ये सारा बराबर है 2 पी एम स्क्वेयर के. ये लिख दिया हमने इस सारे की बजाय 2 पी एम स्क्वेयर. 2 से 2 कट हो गया. पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर आ गया. यही हमें प्रूव करना था. देखिए, पी एम स्क्वेयर, पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर. ये इंटू का साइन होता है. तो बेटा सिस्टमेटिक लिंक करेंगे तो इसको ध्यान से आराम से हो जाएगा. कैसे करेंगे, इन दो राइट एंगल ट्राइंगल लो, फिर बड़ी वाली ट्राइंगल को लो. दो राइट एंगल के ट्राइंगल्स को ऐड करना होगा, उस रिजल्ट को यूं ही छोड़ना होगा. फिर पी क्यू आर करेंगे, फिर क्यू आर को हम दो हिस्सों में बांट के फॉर्मूला लगाएंगे और इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे. फिर इस रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे. सो इट बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और आप गोल गोल घूम जाएंगे. ओके बेटा, यस 10th क्लास. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम. इन द फिगर 6.53, ये हमारी फिगर है 6.53. इसमें क्या दिया गया है, एबीडी एक ट्राइंगल दी गई है. राइट एंगल डेट ए दिया गया है एंड एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी दिया गया है. तो शो करना है ए बी स्क्वायर. हमें शो क्या करना है, शो करना है हमारे को ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी बी. ये शो करना है, राइट बेटा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी थ्योरम देखिए. 6.7 कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, उसके वर्टेक्स से सामने हाइपोटेन्यूस पे अगर हमने राइट एंगल डाला है, तो ये छोटी ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू द बड़ी ट्राइंगल. सी बी ए विल बी सिमिलर टू द ए बी डी. और फिर सिमिलर होते ही हम क्या करेंगे, ये वैसे मैंने आपको सिमिलर प्रूव करके भी दिखा दी है. देखो ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री. ए ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो ये मैंने आपको
ऑप्शनल करके भी दिखा दिया, आप बाय थ्योरम 6.7 लिख के बता सकते हैं कि व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल देन बोथ द ट्राइंगल्स BCA एंड BDA आर सिमिलर। ओके बेटा, तो फिर हम प्रोपोर्शन लिख देते हैं। क्या लिखा हमने, AB बाय CB, देखो AB इसका बड़ा इसका छोटा, देन BD बाय BA, हाँ वही लेना है, BD बाय BA, देखो AB बाय CB इज इक्वल टू BD बाय BA, इस तरीके से लिया है। एंड जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इनटू CB, राइट बेटा। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यस बेटा, टेंथ क्लास, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। इसके लिए हमें लेनी होगी BCA एंड ACD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो कॉमन पार्ट क्या है, AC है, तो एक बार AC इसके साथ लेंगे, AC बाय BC करेंगे, AC बाय BC किया, एक बार DC बाय AC किया, तभी तो ये स्क्वायर बन पाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC इनटू DC। ऐसे ही जब हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे तो उसमें ACD बाय बड़ी ट्राइंगल, तो देखो वो साइड पे चले जाया करो कि जो कि कॉमन है, AD कॉमन है, तो AD जब हम छोटी ट्राइंगल का ले रहे हैं तो BD बड़ी ट्राइंगल का ले लिया, ऐसे ही जब AD हम बड़ी ट्राइंगल का ले रहे हैं तो CD छोटी ट्राइंगल का ले लिया, CD बाय AD हो गया। तो एक बार बड़ी ट्राइंगल, एक बार छोटी ट्राइंगल, एक बार एक ट्राइंगल, एक बार दूसरी ट्राइंगल, दोनों में एक साइड कॉमन होगी जो कि हमें प्रूव करनी है स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द BD इनटू CD, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा ये हमें फिगर देख करके प्रूव करना होगा, जो जो ट्राइंगल्स दी हैं उनमें से कॉमन साइड लो, कॉमन साइड एक ऊपर रखो एक नीचे रखो, एक बार दूसरी साइड लो एक बार दूसरी साइड लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके बेटा, जस्ट 10th क्लास, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें देखो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, H² = P² + B², अब देखो AB² H क्या है हमारा, AB है, AC² + BC², क्योंकि हमारा AC BC के बराबर है और हमें AC प्रूव करना है, इसलिए BC को भी AC² लिख दिया, इसलिए 2AC² हो गया, इसीलिए हमारा प्रूफ हो गया AB² = 2AC². तो बहुत ही सिंपल सम था, आप एक ही मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको, और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द कॉमन सेंस, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ओके बेटा, यस 10th क्लास, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं एंड राइट एंगल्ड एट C पे राइट एंगल्ड भी है, वहीं पे दिखाना होता जहां पे ये बोलता है। अच्छा जी, नहीं, राइट एंगल्ड नहीं बोला है, अभी तो हमें ये प्रूव करना है, राइट एंगल्ड नहीं बोला है। तो और क्या बोला हुआ है, ये बोला है इफ AB² = 2AC², अगर ये दिया हुआ है तो प्रूव करो कि ये राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड हमें नहीं दिया है, तो हमें इसको प्रूव करना है कि देन इट इज अ राइट एंगल। तो हम इस गिवन का हम इस्तेमाल करेंगे AB² = 2AC², AC² को ऐसे लिख देंगे AC² + AC², AC को BC के बराबर लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा AC² + BC² आना चाहिए था, यहाँ पे गलती से हो गया है, तो हम लिख देते हैं BC² तो देखो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर वो क्या बन गया, वो हमारी पाइथागोरस, देखो H² = P² + B² आ गया, ये था H, ये P था, ये B था, इसीलिए ये पाइथागोरस हो गई, इसीलिए ये ABC हमारी राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गई। तो 4th क्वेश्चन में हमें ये रिजल्ट प्रूव करना था और राइट एंगल्ड दिया हुआ था, तो ये उसका कॉन्वर्स है, जब रिजल्ट दिया हुआ है हमें इसको राइट एंगल्ड प्रूव करना है। सो दोनों ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के हैं, पाइथागोरस लग रही है, एंड यू कैन डू देम वेरी इजीली। ओके बेटा,
हाँ जी टेंथ क्लास. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज दैट एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखो सारी भुजाएं बराबर हैं और हमने 2A दिया हुआ है कि 2A है उसकी साइड 2A 2A एंड 2A. तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो इक्वल इक्वल हिस्सों में बांटता है. तो आ गया ये भी A ये भी A और यहाँ पे हमने इसको निकाल के भी दिखा दिया. कैसे निकाला? BD इक्वल टू BC क्या हो गया हमारा? DC बराबर है और BD इज हाफ ऑफ BC है. BC कितना था हमारा? 2A. 2 से 2 कट और ये आ गया A. ठीक है, तो BD आ गया A. अब हम क्या करेंगे? अब हम ये वाली ट्राइंगल उठाते हैं ABD. ABD में पाइथागोरस लगाएंगे. AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. आप उनकी वैल्यू रख देंगे जो हमें पता है. AB की पता है 2A, BD की पता है A, AD नहीं मालूम है. AD स्क्वायर को हम निकालेंगे. AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4A स्क्वायर. देखो इसका स्क्वायर हो गया माइनस A स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3A स्क्वायर. उसको अंडर द रूट कर दीजिए. रूट 3A आ गया और यही है हमारी ट्राइंगल का altitudes. एंड ऑल द altitudes ऑफ द ट्राइंगल ईच altitude विल बी रूट 3A. सो इट वॉज अ वेरी सिंपल सम. तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो. ओके बेटा. यस टेंथ क्लास. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. और क्या पूछा गया है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस. अ रोम्बस इज गिवन टू अस हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल. राइट रोम्बस नहीं. और उसका क्या होता है हमारे पास? उसकी हमारे पास जो एंगल्स होते हैं when the angles are diagonals are bisecting each other at 90 degree. इस बात का फायदा उठाएंगे. तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगनल्स. ये डायगनल है राइट. यानी कि ये किसके बराबर होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. अब देखिए प्रूफ क्या करना है. अब हम पहले गिवन का फायदा उठाते हैं बिकॉज इट इज अ रोम्बस एंड डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री. तो हम लिख देंगे ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ए ऑल आर 90 डिग्री. अब क्योंकि ये एंगल बराबर है. अब ये 90 है तो इसको आगे सामने भुजा को बाइसेक्ट करेगा. ये 90 है तो इसको करेगा और भाई ये 90 है तो इसको करेगा. ऑल द डायगनल्स की ये ए ओ बी ओ ये सब बराबर हो गया. तो देखो बेटा अब क्या करें. AO एंड CO बोथ आर हाफ ऑफ AC. ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं. ये दोनों बराबर हैं तो हाफ ऑफ क्या हो गया? AC हो गया. ऐसे ही DO एंड BO दे आर हाफ ऑफ BD. ये दो बातें हमने अपने गिवन से लिख ली. अब ट्राइंगल लेते हैं AOB जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. उसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं. AB स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर. ए ओ स्क्वायर हाफ ऑफ ए सी है. ओ बी स्क्वायर हाफ ऑफ बी डी है. तो अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा. ये देखो 1/4 ये भी 1/4 और जब आप इसका बोलेंगे एलसीएम तो ये 4 उधर चला जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. सिमिलरली यू कैन राइट ऑल द साइड्स इन द सेम वे. बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये भी आ जाएगा 4bc square is equal to ac square plus bd square. आपको ये करने के बाद में ये करने की जरूरत नहीं. सिमिलरली यू कैन राइट इट dc square भी आ जाएगा 4dc square will be equal to ac square plus bd square and then ad square के बारे में भी 4ad square will be equal to ac square plus bd square. Now we have 4 results 1, 2, 3, 4. अब इन सबको जोड़ दीजिए. यहाँ पे देखो 4, 4, 4 and 4. 4 कॉमन लिख दिया. ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर सब आ गया. अब देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर ये भी 4 हो गई इसलिए 4 कॉमन लिख दिया. ये भी 4 है. ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इंटू 4 से 4 कट हो गया. रिजल्ट क्या आया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ये रिजल्ट प्रूव हो गया. हैंस प्रूव्ड. देखो यही हमें प्रूव करना था. क्या प्रूव करना था? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगनल्स. ये दोनों डायगनल हैं. इनका स्क्वायर किया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ गया. तो ये हमने प्रूव कर दिया. बहुत ही आसान है. तो आपको बस एक ये लगाना है
कि एक ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि रोम्बस के दोनों डायगनल्स बायसेक्ट करते हैं, और बायसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से जब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, और जब ये यहाँ से बायसेक्ट करेगा तो दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही हम ये रिजल्ट लगा देंगे, AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू हाफ AC, AC के हाफ के बराबर होगा। इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हम अपने इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली वी कैन राइट ऑल द रिजल्ट्स एंड देन आफ्टर एडिंग वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ओके बेटा, यस 10th क्लास। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 एंड व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर। ये गिवन फिगर है हमारी, देखिए ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ABC इज अ ट्राइंगल एंड ओ इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल एंड ABC के अंदर है, बीच में है। OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड OF इज परपेंडिकुलर टू OB। सो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से स्मूथली चलेगा और आपको ध्यान से समझना है और इम्पोर्टेंट है और आ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, ये परपेंडिकुलर तो हमने लिख ही दिया है कि ये गिवन है, शो करना है ये रिजल्ट हमें, और इस रिजल्ट के लिए आपको ध्यान से देखना है कि आपकी राइट हैंड साइड में क्या है। AF, BD एंड CE, दिस इज AF, दिस इज BD एंड दिस इज CE। आप उनको मार्क कर लो और उन उन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स को उठा लो। राइट बेटा, हमने क्या लिखना है, पहले तो ज्वाइन कर दो BO, CO एंड AO, ये याद रखो कि ज्वाइन करना है। उसके बाद आप उन उन ट्राइंगल को उठाइए जिनमें AF, BD एंड CE है। राइट बेटा, तो वो कौन सी ट्राइंगल है, OFA, ODB एंड OEC, उनमें लगा दीजिए पाइथागोरस। कैसे लगेगी, जहां पे राइट एंगल उसके सामने वाला हो गया हमारा, क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस। AO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, इसमें क्या होगा, OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसमें OC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये सारे रिजल्ट लिख दिए, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज इक्वेशंस देन वी विल गेट AO स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, AF स्क्वायर, OF स्क्वायर, BD स्क्वायर, OD स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब देखो, अब फिर से दिमाग लगाइए, AF चाहिए, BD चाहिए, C है, E, AF, BD एंड EC, उसको मार्क कर लीजिए और क्या कर देंगे, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो, कह दो भाई चलो भाई योर प्लेस इज नॉट हेयर, कम हेयर। सो हमने इधर ले आए उसको और ये बन गया हमारा रिजल्ट जो हमसे पूछा गया था। ओके, जस्ट शिफ्टिंग हैज गिवन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, इन सभी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट विच वॉज टू बी प्रूव्ड। ओके बेटा, इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से है, उसमें हमें ये वाले ट्राइंगल उठानी होंगी, तो हमें राइट हैंड साइड को देख के चलना है, डिसाइड करना है कि कौन सी ट्राइंगल लेनी है। AF था तो इसको मार्क करो, BD था तो इसको मार्क करो, CE है तो इसको मार्क करो, उन्हीं ट्राइंगल को उठा लो, पाइथागोरस लगा दो, रिजल्ट्स को ऐड कर दो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके बेटा,